हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों ने जबरदस्त न्यूज़ लेके। दोस्तों, तस्वीर देख के एकदम साफ हो गया होगा कि क्या बात करने वाले हैं। मालामाल हुई CSK, चेन्नई सुपर किंग को सबसे ज़्यादा प्राइज मनी मिला है क्योंकि वो विजेता रही है पाँचवीं बार IPL विजेता कप्तान बनकर अचानक रोते दिखे हैं MS धोनी। तो दोस्तों, पूरा डिटेल्स बताएंगे। धोनी थोड़ा इमोशनल हो गए कल, जडेजा ने किस तरीके से मैच जिताया, ये सारा कुछ आप लोगों ने जिसने भी 1 बजे रात तक जग के मैच देखा होगा, क्योंकि बारिश के कारण मैच बहुत ज़्यादा डिले हुआ। आखिरकार चेन्नई जीतने में सफल रही और पूरा डिटेल्स सब कुछ जानकारी देंगे दोस्तों, क्या क्या हुआ, कितना प्राइज मनी किसे मिला। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फेसबुक पर देखते हैं, फॉलो का बटन दबाइए। तो दोस्तों, बात करेंगे मालामाल हुई चेन्नई सुपर किंग CSK, कितना प्राइज मनी मिला, ये सब डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों, पांचवीं बार IPL विजेता कप्तान बनकर अचानक रोते दिखे धोनी। लोग बोले, कभी माही को का ऐसा रूप नहीं देखा, इतना इमोशनल होते वर्ल्ड कप में भी शायद धोनी को मैंने नहीं देखा था, पर कल वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखे। लगता है कि ये धोनी का आखिरी मैच है, ऐसा नज़ारा दिखा और हो सकता है कि आखिरी मैच हो, पर धोनी का स्टेटमेंट है कि वो चेन्नई में आखिरी मैच खेलेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, उनका क्या डिसीजन होता है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा जब भी कुछ आएगा। IPL का फाइनल जीतते ही मालामाल हुई चेन्नई सुपर किंग्स। गुजरात को भी बहुत ज़्यादा रकम मिला है, और भी दो टीमें हैं, लखनऊ और मुंबई इंडियंस, इनको भी अच्छा खासा रकम मिला है। सबके बारे में बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से जीता चेन्नई सुपर किंग। लास्ट के 2 बॉल में 10 रन बनाने थे और रविंद्र जडेजा 6 और 4 बना के जब जीता, उसके बाद पूरा मैदान एक अलग ही रूप में था। तो वो सारे जिसने भी देखे जरूर है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलते हैं न्यूज़ पे। चेन्नई सुपर किंग को अपने करिश्माई कप्तान से रिकॉर्ड 5वीं बार IPL चैंपियन बनाकर महेंद्र सिंह धोनी ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। IPL के इतिहास में 5वीं बार चैंपियन बन कर महेंद्र सिंह धोनी अचानक रोते दिखे। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के कुछ फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सीने से लगाते हुए नजर आए। 5वीं बार IPL विजेता कप्तान अचानक रोने लगे। दोस्तों, ये बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत सोशल मीडिया पे वो ये वाले फोटो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें MS धोनी एकदम इमोशनल दिखे। लोग बोले, कभी माही को ऐसा नहीं देखा, ऐसा रूप माही का कभी नहीं देखा। चेन्नई सुपर किंग को जब फाइनल में मैच जीतने के लिए आखिरी 2 गेंद पर 10 रन की ज़रूरत थी, तो डगआउट में महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल खामोश नजर आ रहे थे, बिल्कुल शांत बैठे थे, आंख मूंद कर लास्ट बॉल पे बैठ गए थे। MS धोनी को इतना भावुक और इमोशनल कभी मैंने भी नहीं देखा था दोस्तों, क्योंकि मैं तो जगह नहीं था, लेकिन जो हाईलाइट्स में देखा वो दिखा। जडेजा ने सीने से लगाकर रोते हुए दिखाई दिए MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इसके बाद रविंद्र जडेजा को देखकर भावनाओं में बह गए। फाइनल में जीतने के बाद मालामाल हुई चेन्नई सुपर किंग। अब आया मुद्दे की बात, कितना किसको मिला। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग को 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी मिला है, ये पहले स्थान पे हैं, जीते हैं। उसके बाद बात करें गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए मिला है, और तीसरे नंबर पर रही मुंबई इंडियंस को 7 करोड़, और लखनऊ सुपर जाइंट्स को 6.5 करोड़ रुपये मिले हैं। तो दोस्तों, ये प्राइज मनी की बात रही। प्लेयर ऑफ द मैच कर रहे मेरे दिमाग से निकल गया अभी, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो रहे शुभमन गिल, और डेविड कॉनवे रहे हैं मैन ऑफ द मैच दोस्तों। तो ये तो था पूरा कल का मैच का डिटेल्स। मैच डिले होते होते पूरे 1 बजे तक चला गया था मैच। तो दोस्तों, चेन्नई के जीत पे आपको क्या कहना है, MS धोनी क्या दोबारा आपको मैदान पर दिखेंगे, ये सारे चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पे देखते हो फॉलो का बटन दबाइए। दोस्तों, MS धोनी के बारे में जो भी आपको डिटेल्स शेयर करना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या MS धोनी आपको दोबारा खेलते हुए नज़र आएंगे 2024 में, अगर लगता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।